शाहरुख खान, SRK, बॉलीवुड बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड, जो भी कहें हिंदी में या अंग्रेजी में सब चलेगा। वो इसलिए कि किंग खान का जलवा दुनिया भर में आज भी कायम है। कहा जाता है कि साल बदलते रहे लेकिन शाहरुख खान की शान बढ़ती चली गई। दुनिया ने ये नज़ारा उस समय देखा जब दुबई के बुर्ज खलीफा पर लगातार तीसरी बार 2 नवंबर को किंग खान की चमचमाती तस्वीरें नजर आईं। मौका था SRK के 56वें जन्मदिवस का। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में पैदा होने वाला बच्चा इतना चमकदार सितारा होगा, इसका एहसास खुद शाहरुख खान को भी नहीं था। बुर्ज खलीफा की गगनचुंबी इमारत पर जब तीसरी बार शाहरुख खान की तस्वीर शेयर कर किंग खान को बर्थडे विश किया गया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं था जब बुर्ज खलीफा ने SRK को इतना ज़्यादा सम्मान दिया हो। इससे पहले 2 बार, 2019 में पहली बार और 2020 में दूसरी बार और अब 2021 में तीसरी बार इस शान और शौकत के साथ शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाई दी गई है। आपको बता दें कि शाहरुख खान भारत के न केवल सफल बॉलीवुड एक्टर हैं बल्कि वो एक शानदार इंसान भी हैं। शाहरुख खान को SRK के नाम से भी दुनिया जानती है। उन्हें हिंदी सिनेमा का बादशाह भी कहा जाता है, जिसे उनकी 1999 में आई फिल्म बादशाह की ओर मंसूब किया जाता है। शाहरुख खान ने 80 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म दीवाना से किया था। उसके बाद एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्में देकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। DDLJ, देवदास, माई नेम इज़ खान, चक दे इंडिया, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, इस तरह की गिनते चले जाएंगे, आपकी सांस रुक जाएगी, लेकिन किंग खान की अदाकारी के जौहर नहीं रुकेंगे। शाहरुख खान को अब तक 14 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। शाहरुख खान एक इकलौते ऐसे बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें 3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। शाहरुख खान दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कुल मिलाकर कहें तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल से जमानत के बाद ये किंग खान का खुशगवार जन्मदिन था और बुर्ज खलीफा ने इस खुशी में 4 चांद लगा दिया। मेरी ओर से भी शाहरुख खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।